वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एमब्रांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत ही अपने आप में एक यूनिक वीडियो है। यूनिक इसलिए है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं साइंस को एक्सप्लोर करूँगा, एक्स्ट्रोलॉजी को एक्सप्लोर करूँगा, इस टर्म को डिफाइन करने के लिए कि टाइम ट्रैवल एग्जैक्टली क्या होता है और क्या ये पॉसिबल है कि हम टाइम को ट्रैवल कर सकते हैं, हम भविष्य को देख सकते हैं, भविष्य की कोक में जा सकते हैं, इज़ इट पॉसिबल। तो ये साइंटिफिक वीडियो रहेगा, साथ ही साथ में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा कि इज़ इट पॉसिबल और इज़ इट नॉट पॉसिबल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूँगा कि आई एम ए सर्टिफाइड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर। मतलब जो हमारी ब्रेन की साइकोलॉजी है या जो ब्रेन की स्ट्रेंथ है या ब्रेन का जो कम्युनिकेशन माध्यम है इसके बारे में मैं काफ़ी हद तक जानता हूँ, इसलिए मैं उस साइंस का भी इस वीडियो में प्रयोग करने वाला हूँ। अब सबसे पहली चीज़ आपको मैं ये बता देता हूँ कि कोई भी ह्यूमन ब्रेन होती है, जो हमारी ब्रेन होती है, इसके अंदर हमारी बर्थ की 27 बर्थ की इंफॉर्मेशन फीड होती है। इसका मतलब क्या है कि हमने लास्ट 27 बर्थ क्या लिए हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर होती है। अब ये थोड़ा समझने की बात है तो मैं इस वीडियो, शायद ये लंबा हो सकता है लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। जब हमारी ब्रेन में 27 जन्मों की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है तो ये क्यों होता है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम अपनी पास्ट लाइफ को भूल जाते हैं और हमें सिर्फ ये जन्म याद रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो ब्रेन है जब हम पैदा होते हैं तो इनक्रिप्टेड हो जाती है। इनक्रिप्टेड हो जाती मतलब वो लॉक हो जाती है, और ये जो इनक्रिप्शन का काम है ये जन्म लेने से पहले होता है। जन्म लेने से पहले होता है मतलब कि जब कोई भी सोल मरता है और जब कोई भी सोल पैदा होता है तो उसके बीच में एक पीरियड होता है, दैट इज़ ए ब्लू मिस्ट पीरियड। और इस पीरियड के अंदर क्या होता है कि उसकी जो ब्रेन है वो धीरे धीरे इंक्रिप्ट होती है, और जैसे ही उसका जन्म का समय आता है उसका जो इंक्रिप्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन फिर भी जब तक कोई इंसान 0 से 5 साल तक की उम्र में रहता है, मतलब कोई बच्चा रहता है, तब तक ये जो इंक्रिप्शन है वो इतना स्ट्रांगली लॉक नहीं होता। और जैसे ही हम 5 या 6 साल के वर्ष से ऊपर हो जाते हैं तो ये जो इंक्रिप्शन है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाता है और फिर हमें उसको डिकोड करना पॉसिबल नहीं होता। अगर हम करते भी हैं तो भी हमें बड़ा पावर लगता है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ी साधना करना पड़ती है ताकि हम इस रहस्य को समझ सकें। अब मतलब जब ब्रेन में हमारे 27 जन्म की, पिछले जन्म की इंफॉर्मेशन कैद है तो ये भी पॉसिबल है, और ये पॉसिबल है कि हम अपने आने वाले जन्म की इन्फॉर्मेशन भी अपने ब्रेन में रखते हैं। ये साइंटिफिक बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि जो पिछला है अगर वो हमारे ब्रेन में है तो जो आगे होगा वो भी हमारे ब्रेन के अंदर है। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब ये है कि वो अपनी पास्ट लाइफ में जाते हैं किसी एक्सपर्ट के माध्यम से, और फिर वो अपनी पास्ट लाइफ को रिकॉल करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को लीड कैसे किया या क्या इवेंट्स हुए थे ताकि उनको इस लाइफ टाइम में आंसर्स मिल सके। तो ये जो टाइम ट्रैवल होता है वो पॉसिबल कैसे होता है? वो इसलिए होता है कि जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके ब्रेन में स्टोर है आपको सिर्फ उस तक पहुँचना है। उसका एक तरीका है जिसके ज़रिए आप उस इंफॉर्मेशन तक पहुँच सकते हैं, उसको अनलॉक कर सकते हैं और फिर उसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन ये बहुत इजी प्रोसेस नहीं होता है,
ये बहुत ही टफ प्रोसेस होता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि जो जिंदगी हमने जी ली उसको तो हम देख सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है कि जो जिंदगी हमने जी नहीं उसको हम भविष्य में जाके देख सकते हैं? इसमें जो सबसे बड़ा रोल है एस्ट्रोलॉजिकली वो दो प्लैनेट्स का होता है, केतु और दूसरा राहु। अब केतु और राहु के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और मैंने आपको ये कहा है कि केतु आपका वो एनर्जी पावर हाउस है जिसके अंदर आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, लेकिन वो लॉक होती है और जितना आप अपनी केतु को एक्सप्लोर करेंगे उतना ही आपकी जो एनर्जी है वो एक्सप्लोर होगी और आपकी अवेकनिंग होगी, एक्सप्लोर कर पाएंगे आप अपनी अवेकनिंग को उतना ही ज़्यादा। अब जब आप इस केतु को एक्सप्लोर करते इग्नाइट करते हैं तो आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं जिसको हम अवेकनिंग कहते हैं या कुंडली अवेकनिंग कहते हैं। और कुंडली अवेकनिंग का मतलब ये होता है कि हम अपनी सिक्स सेंस को जागृत करते हैं। कुंडली अवेकनिंग एग्जैक्टली क्या है, साइंटिफिकली अगर मैं इसको कहूँ तो इसका अर्थ ये होता है कि हम अपने सिक्स सेंस को जागृत करते हैं। नॉर्मली हर एक पर्सन को जो ह्यूमन फॉर्म में है इस वर्ल्ड में उसके पांच सेंसेस होते हैं और उसी पांच सेंसेस से वो चलता है। लेकिन आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि ये पांच सेंस होने के बाद भी लोग अपने पांचों सेंसेस को एक्टिव नहीं कर पाते हैं और वो नॉर्मली एक या दो सेंस को ही एक्टिव कर पाते हैं अनोइंगली, और इसलिए उनकी जो जर्नी है वो अधूरी रह जाती है। लेकिन जब हम कुंडली अवेकनिंग में जाते हैं तो हमारा जो सिक्स्थ सेंस है वो अवेकन होता है। और सिक्स्थ सेंस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? सिक्स्थ सेंस का रिप्रेजेंटेशन हमारी थर्ड आई होती है ये। और अगर मैं थर्ड आई की बात करूँ तो आप सब जानते हैं कि जो परमपिता परमेश्वर लॉर्ड शिवा हैं उनके पास थर्ड आई है। इसका मतलब ये है कि वो देख सकते हैं जो और कोई नहीं देख सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड। अब जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है, अब ये भी बता दूं कि हर इंसान की थर्ड आई अगर वो साधना कर रहा है तो ओपन हो सकती है कुछ हद तक, लेकिन ये पूरी नहीं होती है। ये जो सेंस है वो ईश्वर आपको उतना ही ओपन करेगा जितना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जिस इंसान को फ्यूचर दिखने लग जाता है या फ्यूचर को वो अच्छे से देख सकता है तो वो उसका दो तरह से उपयोग कर सकता है, एक लोगों की भलाई के लिए और दूसरा अपनी ही भलाई के लिए। ये दो पॉसिबिलिटी बनती है। तो ईश्वर इस चीज़ को बड़ा श्योर करता है, प्रकृति इस चीज़ को बड़ा श्योर करती है कि अगर आपने साधना की भी है और अगर आपने सिक्स सेंस को जागृत भी किया है तो वो उतना ही जागृत करता है जितना आपके लिए उपयोगी है। क्योंकि उससे अधिक वो कर देगा तो शायद आप उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। अब जब इंसान का सिक्स सेंस जागृत होता है तो उसको कैसे आभास हो कि उसका सिक्स सेंस जागृत हो चुका है? अगेन आई विल कम बैक टू केतु। केतु आपकी वो एनर्जी है जो आपको इस हद तक ले जाती है। मैंने हमेशा आपसे कहा कि कुंडली अवेकनिंग का प्रोसेस जो होता है वो आपकी जैसे एनर्जी है वो रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में रहती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, और जो उसको रीच करना है वो यहाँ करना है, दैट इज़ योर क्राउन चक्र, दैट इज़ द प्लेसमेंट ऑफ राहु। और ये धीरे धीरे राइज करती करती यहाँ तक होती है। और जब केतु मीट्स राहु इसका मतलब ये होता है कि आप पूरी तरह से अवेकन हो जाते हैं, आप अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख सकते हैं। अब जो सबसे रोचक बात है जो आपको समझनी है कि नॉर्मली 90% ऑफ दिस ह्यूमन पॉपुलेशन इन दिस वर्ल्ड, आई रिपीट अगेन, 90% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इन दिस वर्ल्ड वो अपने तीन चक्रा से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तीन चक्रा मतलब अगर ये स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन है तो ये आपका रूट चक्रा, उसके बाद ये सेकेंड चक्रा और उसके बाद थर्ड चक्रा, यहाँ तक पहुँचते हैं। और जो फोर्थ चक्रा होता है जो आपका हार्ट चक्रा होता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ से आप यूनिवर्स से कम्युनिकेट करते हैं। ये फोर्थ चक्रा जो होता है वो मीटिंग पॉइंट होता है। जब आपके एनर्जी यहाँ तक आ जाती है तो जो ऊपर वाले की एनर्जी वो यहाँ तक आप इसको रिसीव कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं।
तो 90% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन उसके सिर्फ जो राइजिंग होती है वो तीन चक्रा तक होती है। अब रेस्ट 10% में अलग अलग चक्रा ओपन होते हैं, किसी के साइमल्टेनियसली सातों चक्र एक साथ ओपन नहीं होते, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी का हार्ट चक्र ओपन होगा, किसी का थ्रोट चक्र ओपन होगा, किसी का थर्ड आई ओपन होगा या किसी का क्राउन होगा। जिस इंसान ने इसको साइमल्टेनियसली अवेकन कर लिया, मतलब अपने आप से कर लिया, अगर उसकी एनर्जी बड़ी हाई है, मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था कुंडली अवेकनिंग पे, आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने इसके बारे में बताया। तो जब ये एनर्जी इतनी पावरफुल उस इंसान के अंदर रहती है ऑटोमेटिकली, तो वो अपने आप से इस रास्ते को पार करती है, और जब वो इस रास्ते को पार करके यहाँ तक पहुँचती है हमारी थर्ड आई तक, तो वो हमारे सिक्स सेंस को जागृत करती है। अब ये आपके एनर्जी पे डिपेंड करता है कि आप उस थर्ड आई से क्या क्या इवेंट्स को देख सकते हैं, ये आपके सोल पावर पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी साधना की है उसके ऊपर, ताकि आप उन इवेंट्स को जाके देख सकते हैं। और जब आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है और जब आपका सिक्स सेंस ओपन हो जाता है, तब माय फ्रेंड्स आप अपने पास्ट में भी जा सकते हैं वेरी इजीली, आप प्रेजेंट में तो हैं, और फिर आप अपने फ्यूचर को भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब जब हम फ्यूचर में ट्रैवल करते हैं तो एग्जैक्टली ये ट्रैवलिंग किस तरह से होती है, इसके तीन तरीके होते हैं, मैं आपको बता दूँ। एक, या तो आप अपनी थर्ड आई में आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपकी थर्ड आई ओपन है, तो उसके थ्रू आप उस चीज़ को देख पा रहे हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, आप उस टाइम फ्रेम में जाके उन चीज़ों को देखते हैं। अगर मान लीजिए आपकी थर्ड आई अभी तक ओपन नहीं हुई, लेकिन सिम्टम्स हैं ओपन वाले, तो आपके दो सिम्टम और मैच होंगे इसके साथ। पहली चीज़ तो ये कि आपको इंट्यूशन हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए आपको इंट्यूशन हो गया कि कोई आज आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है, और वो मेहमान आ गया है, तो ये आपका सिक्स सेंस धीरे धीरे राइज हो रहा है, उसका एक उसकी तरफ इंडिकेशन है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि आपको सपने बार बार ऐसे आने लगेंगे जो आपके साथ फ्यूचर में घटित होने वाला है, वो अब आपको सपने के फॉर्म में दिखाई देने लगेगा। ये भी टाइम ट्रैवल है, लेकिन इसके अलग अलग तरीके हैं, जरिए हैं। जैसे इंट्यूशन एक टाइम ट्रैवल होता है, जो आप सोच रहे हैं आभास हुआ वो चीज़ घटित हो गई, दैट इज़ अगेन ए टाइम ट्रैवल, वो चीज़ आपको बार बार पुश कर रही है, बता रही है। दूसरा, सपने के माध्यम से जो आपके साथ घटित होने वाला है या दुनिया में घटित होने वाला है, वो किसी अलग फॉर्म में आपको सपने में पहले ही दिखाई दे दे और वो चीज़ बाद में वैसे घट जाए, ये भी टाइम ट्रैवल है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप एकदम अलाइन हो जाते हैं और आपकी थर्ड आई अवेकन हो जाती है वेरी स्ट्रांगली, मैंने कहा ना कि ये 100% ओपन नहीं हो सकती, और 100% ओपन सिर्फ लॉर्ड शिवा की है, तो हमको उतना ही पावर मिलेगा जितना वो हमें देना चाहता है, जिसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। तो थ्रू आवर थर्ड आई इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वी कैन ट्रैवल द फ्यूचर, वी कैन ट्रैवल द टाइम लाइन ऑफ द फ्यूचर, एंड वी कैन सी द इवेंट्स इन द वे इट इज़ हैपनिंग। देन इट्स अप टू अस कि हम उस इवेंट को किस तरह से रिक्रिएट कर सकते हैं। रिक्रिएट करने का मतलब ये हो गया, एक बात हमेशा याद रखिए, इंसान को कभी भी प्रकृति के नियम के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। देर इज़ ए नेचर ऑफ लॉ जिसके कारण हम सब बंधे हुए हैं, हमें उसको फॉलो करना है। तो जिस इंसान को ये शक्ति मिलती है उसके साथ उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है कि तुम्हें नेचर के लॉ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। तो ऐसे इंसान जो टाइम ट्रैवल कर सकता है, तो वो अपनी शक्तियों का कैसे प्रयोग कर सकता है, वो उसको उस तरह प्रयोग करना है जिसमें वो प्रकृति के नियम के साथ छेड़छाड़ ना करें, लेकिन अपना सेल्फ डिफेंस या लोगों का सेल्फ डिफेंस वो क्रिएट कर सकता है, एक अवेयरनेस लेके आ सकता है लोगों के अंदर अपने तरीके से। वो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेगा कि उसने उस इवेंट को देख लिया एज इट इज़, लेकिन वो अपने कई तरीके से माध्यम से एक अवेयरनेस जनरेट करता है अपने लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए या दुनिया के लिए, कि वो अपना सेल्फ डिफेंस क्रिएट करें और उनमें ये अवेयरनेस आए, ताकि जब फ्यूचर में कोई इवेंट हो तो वो उसके लिए तैयार रहें। और इसके लिए मदर नेचर हमेशा उसका सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं चल रहा है, वो उस बाउंड्री में है, उस लिमिटेशन में है, और उसके तहत ही वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ
कि अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि टाइम ट्रैवल इंसान कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो 100% हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ये लाखों या करोड़ों में ही कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर ये पावर उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ऐसा इंसान बहुत रेयरली होता है। आज अगर 750 करोड़ पॉपुलेशन है इस वर्ल्ड की, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 लोग ही इस कैटेगरी में आएंगे, जिनकी जिनमें ये शक्ति रहेगी कि वो टाइम को ट्रैवल कर सकें और उसको देख सकें। इसमें आपका ब्रेन का रोल बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि यो ब्रेन इज़ राहु, और राहु क्रिएटिव है, वो आपको बहुत कुछ क्रिएट करा सकता है आपके लाइफ में। एंड सेकेंड, केतु, केतु वो एनर्जी है जिसके थ्रू आप इस चीज़ तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, साइंस और एस्ट्रोलॉजी को मिला के अगर मैं इसका पूरा सम अप करूँ, तो 100% ये चीज़ पॉसिबल है कि हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, वेदर दैट इज़ योर पास्ट और वेदर दैट इज़ योर फ्यूचर। और किस तरीके से कर सकते हैं ये भी मैंने बताया। अगर आपके साथ ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में ऐसे कुछ चीज़ें हो रही है जो इस वीडियो के साथ रेजोनेट कर रही हैं, तो थोड़ा सा आप अपने इंट्यूशन पर, अपने सपनों पर, अपनी थर्ड आई पर ध्यान देने का मतलब आपको यहाँ पर ध्यान लगाना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ज़बरदस्ती कुछ इनिशिएट नहीं करना है, अपने आप से वो चीज़ होगी। जो चीज़ अपने आप से होती है, स्वतः होती है, उसका ही रिजल्ट मिलता है। अगर आप किसी चीज़ को फोर्स करेंगे तो फिर वो अलाइन नहीं होती है, वो आपको बल्कि डिसअलाइन कर देगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी अबाउट टाइम ट्रैवल एंड हाउ इट हैपेंस इन आवर लाइफ। थैंक यू वेरी मच माई फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।